हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इंसान चलेगा, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को लो रखेगा, उसको लगेगा कि जो इंसान को डायबिटीज़ टाइप 1 है और कुछ कारण से उसके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम कम है, तो उसका मतलब उसकी बॉडी कीटोसिस पे चली गई ऑलरेडी। वो उसका बॉडी कीटोन्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि जो शुगर है, अगर वो शुगर लेवल कम है बॉडी में तो उसमें एनर्जी नहीं होगी। इंसुलिन ही है जो एनर्जी में परिवर्तित करने को काम आएगा ब्लड ग्लूकोज को। तो इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है टाइप 1 डायबिटीज से जो सफ़र कर रहे हैं, तभी वो हेल्दी रह पाएंगे। उनकी आंखें, उनका ब्रेन, उनके टेस्टैकल, उनके हार्ट के फंक्शनिंग, सब कुछ, किडनी, सब कुछ अगर सेफ रखना है तो इंसुलिन लेना पड़ता है। और इंसुलिन डिपेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो टाइप 1 डायबिटिक्स के साथ अक्सर पाई गई है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द राइट यूज़ ऑफ ग्लूकोमीटर्स। वो मशीन होते हैं जिसमें आपने एक बूंद आपका डाला ब्लड का, तो पता चलता है आपकी शुगर लेवल क्या है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपके शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली मेंटेन है क्या नहीं। जनरली आपने हफ्ते में 2-3 दिन रेगुलरली चेक करना चाहिए कि आपके शुगर लेवल कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप आपके डोजेस को अल्टर कर सको जिससे आपके शुगर लेवल और भी बेहतर हो। तो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सी यू, हैव अ नाइस डे।